देख रहे भाई लेडीज होने का कितना फायदा उठा रही मम्मी, इतनी लंबी लाइन लगी है पीछे से, नोनी की लाइन में लग के टिकट लावे, बिल्कुल लग गया है काउंटर से टिकट लेकर आ रही है। काफी लंबी हाइट इसकी है समझो, मतलब 4-5 बिल्डिंग ऊंची हाइट है इसकी। यहाँ से देखो पूरी जयपुर सिटी दिख रही है। तो गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है सबके। ये है भाई हमारा डे टू ऑफ जयपुर ट्रिप। सबसे पहले अभी हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं भाई हवा महल, जो कि हमें ऑन रोड ही मिल जाएगा। तो 3.6 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, अब देखते हैं कहाँ मिलता है। हाँ ये पुराना मार्केट है राजा महाराजा का, देखो जितनी भी बिल्डिंग है ना भाई है ये बिल्कुल एंटीक है। ये चलते चलते भी भाई गाइड दे रहा है क्या हमें? ना ना मैं ना जाना कहीं, मतलब गाड़ी चल रही है, वो बंदा कह रहा है कि भाई गाड़ी लेनी है क्या? चलते चलते ही तो यहाँ पे भाई हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। मेन रोड पे नहीं कर सकते चलान है, मतलब खड़ी तो कर सकते हो लेकिन अगर पार्क करके चले गए तो उसका चलान है। तो ये देखो भाई आ चुके हैं फाइनली हम हवा महल पर। काफी अच्छा बना हुआ है देखना, छोटी छोटी खिड़की कैसे बना रखी है। हाँ छोटी छोटी तो मतलब खुलती होंगी क्या? बताओ। अच्छा लोग तो ऊपर घुमा भी घूम रहे ऊपर की साइड, कैसा लगा तुम्हें? है थोड़ा यूनिक सा है, फर्स्ट टाइम देखा है कुछ ऐसी चीज। लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, भीड़ तो है। देखो भाई रात के टाइम पे लाइट वगैरह भी जलती है क्या इसमें? वहाँ ये नीचे रख रखी है लाइट, रात के टाइम पे जलता होगा थोड़ा बहुत ये। और एक इसमें बीच में सेंटर में वो रहा मेन जो गेट है छोटा सा टूट गया हो तो यार खोल लगता किसी ने, पता नहीं भाई क्या है। काफी लंबी हाइट है इसकी समझो, मतलब 4-5 बिल्डिंग ऊंची हाइट है इसकी। इसका जो असली फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं ना लोग ऊपर की साइड, वहां से इसका व्यू आता है ना पूरा बैकग्राउंड में। हाँ ये देखो पुराने लेंटर, यहाँ पुराने छज्जे, हाँ सारा ही दरबार पुराना है, सारा डिजाइन वही है भाई देख लो, लक्कड़ ये कुंडी और ये जो हवा महल है उसके बैक साइड का एरिया है, पिंक कलर का बना रखा, पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है, मोस्ट फेमस प्लेस है जयपुर का ये हवा महल। ये फोटोज वगैरह नहीं जी धन्यवाद। ये सब भाई चैनल लगा के बंद करे हुए हैं पुराने। देख रहे भाई लेडीज होने का कितना फायदा उठा रही मम्मी, इतनी लंबी लाइन लगी है पीछे से, नोनी की लाइन में लग के टिकट लावे, बिल्कुल लग गया है काउंटर से टिकट लेकर आ रही है। वाह भाई वाह बिल्कुल ही काउंटर पे जाके सारी लाइन ही वो कर दी। मैंने कहा ले इसकी कहां है लाइन यहां, नहीं कोई बात नहीं आंटी आप ले लो। चलो कोई नहीं भाई, फास्ट सर्विस हो चुकी है हमारी, अब एक बार अंदर भी देख लेते हैं हवा महल में जाके। कितने रुपए का चार्ज था इसका? 50 रुपए का पर पर्सन चार्ज है, और गाइड वगैरह भी ले सकते हो 400-300 रुपए का गाइड यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन गाड़ी के करने क्या है, देखो ये इसका बैक एंड से एंट्रेंस है काफी सुंदर बना हुआ है पीछे से। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे जो है इन्होंने चेकिंग का गेट भी लगाया हुआ है पूरा मेटल डिटेक्टर ये बन रखा भाई। यहाँ पे एंटर करते एक बहुत बड़ा चौक सा, वो क्या है कुआ है क्या? वेल अच्छा, और इस गेट से हमें आगे की ओर चलना है। देखो कितनी बड़ी नक्काशी की हुई है इस पर, देवी बनाई हुई है शायद ये। यहाँ इसका बोर्ड लगा हुआ है, किसने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था 1799 है, बहुत पुराना भाई ये, पढ़ लेना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी लेनी हो। बाकी एक चलते हैं कुआ देखने के लिए, इतना गहरा कुआ है ये, बिल्कुल एंटीक कुआ है, सूखा पड़ा का गहरा होगा काफ़ी। ओ भाई साहब अभी तो काफ़ी गहरा है, दिख ही ना रहा यार हमें तो, चलो जूम करके भी अंधेरे दिख रहा है। चलो ऊपर की साइड चलते हैं देखते हैं क्या मिलेगा ऊपर। ये देखो इधर की साइड ये गुम्बद से बना रखे हैं चारों तरफ, जहाँ देखे वहाँ। तो थोड़ा सा आगे एंटर करते ही ये मिल जाएगा हमें बैक साइड व्यू ऑफ हवा महल, देख सकते हो आप। बीच में इसमें फाउंटेन एरिया भी है जो कि अब चलाया नहीं हुआ, पानी इसका काफ़ी गंदा हो रखा है। अरे वाह भाई देखो क्या वो बजा रखा है इन्होंने, राजस्थानी तबले वबले जो बजाते हैं ना सुरताल, बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है। इसका भी एंट्रेंस है क्या कुछ? अरे वाह भाई साहब, बाहर की जानी थी, बहुत ही शानदार गाना भाई, मजा आ गया, क्या मौसम है वाह।
यहाँ दूसरी मंडली इनकी अलग तरह की। ये है भाई हवा महल का लुक, जो आपको छोटी छोटी सी खिड़की दिखाते हैं, ये है खिड़की। कितनी प्यारी सी, कितनी प्यारी खिड़की, छोटी सी है ऐसे खुलने से। और यहाँ से हवा ले भाई, हवा महल। हेलो, देखो भाई, ये बाहर जहाँ पे हमने फोटो खिंचाई थी अभी, इससे भी छोटी खिड़की है। अरे वहाँ ये तो बंद कर रखी, लोग लग रहा भाई, देखो इनमें लोग नहीं लगा रखे लोहे की वे बोर्ड के। एक अच्छी खोल रखी खिड़की, देखो ये हवा लेने के लिए बना रखा था क्या महल, यो यहाँ से हवा आसपास होती होगी। ये महाराजा जी की फोटो बनाई हुई है पूरी, स्टैचू कितना शानदार बना रखा, कैसा लगा, बढ़िया। इधर की साइड से पूरा हवा महल है भाई। ओ भाई साहब, इसका पूरा आर्किटेक्चर एक छोटे व्यू में बनाया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, इंग्लिश में बोलते हैं कुछ इसको। देखो फ्रंट व्यू इसका ये है, अभी हम खड़े हैं इसके बैक साइड जहाँ पे हम फिलहाल है। ये कुछ इसका बैक साइड से व्यू है, ये देखो हम फिलहाल है यहाँ पर इस जगह पे। देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर अभी, और ये छोटे छोटे गेट जो है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, छू छू कर रहे हैं, वैसे तो पुराने हैं काफी। अंदर लेते हैं यहाँ से एक जगह से एंट्री और दोबारा जाते हैं कुछ व्यू लेने के लिए। ओ भाई साहब, ये देखो बैक एंड से, ये जो आप देख रहे हो ना ये कांच के है, ये यहाँ से तो कलरफुल लग रहे हैं, ग्रीन रेड येलो ब्लू, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये एक साइड से ही कलरफुल है बस, ये जो शीशे जो है बाहर की साइड से नहीं दिखते। हाँ, और ये कुछ यहाँ पर मिरर लगाया, मिरर है देखो, ये पता नहीं किस तरह का एंटीक पुराना मिरर है, मिरर से मतलब नक्काशी की हुई है काफी अच्छी। नक्काशी अगर पुरानी आर्किटेक्चर सभ्यता अगर देखनी हो तो बेस्ट जगह है भाई, मतलब जयपुर की है। क्या जाग रही हो, हैं बाहर देख रही हो, पूरा सिटी का व्यू मिल रहा है भाई यहाँ से, देखो ये हाँ छोटी छोटी खिड़की है बड़ी मजेदार, ये बंद कर दी। ये देखो भाई ये खिड़की बनाई हुई है, इसमें इस तरह से कुछ नक्काशी की है, ताजी हवा पूरे इसमें महल में आने के लिए काफी अच्छी यहाँ पे इन्होंने डिजाइनिंग की हुई है। यहाँ तो मेरा सिर भी नारा इसमें, देखो भाई सीढ़ी वगैरह तो यहाँ पे बनाई नहीं है, एक बिल्कुल स्लाइड वाली बनाई है, चढ़ने में ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही हमें, और हैंडल पकड़ने की भी है। ये बहुत ही नैरो स्पेस है, चलो देखते हैं ऊपर क्या मिलेगा भाई, बहुत ही संकीर्ण रास्ता है। तो ये है भाई हवा महल का टॉप पॉइंट, ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये बंद कर रखे भाई, देखो ये किवाड़ से छोटे छोटे, और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब क्या शानदार व्यू है। अभी आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ, ये देखो ये हवा महल, इसका एंड है चोटी है बिल्कुल, इसके ऊपर नहीं जा सकते भाई, गुम्बद से आएगा बस, वहाँ तो जाने का नहीं कह रहा। ये लास्ट है, और यहाँ से देखो पूरी जयपुर सिटी दिख रही है। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये बड़ी फैसिनेटिंग है, ये है ना मुझे लग रहा है वो रहता है ना टाइमिंग का, वो रहता है जंतर मंतर, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है तो उसकी तरह ये वो होता है, टाइम बताता है, एंशियंट टेक्नोलॉजी है तरह से, पता नहीं जंतर मंतर पास में ही है इसके। हाँ देखो इधर पूरे एरिया में ना सिटी बसी हुई है, और ये जो इधर की साइड पहाड़ है ये किले हैं। अब कौन सा किला किधर की साइड है ये मुझे पता नहीं, नाम नहीं पता क्या क्या है, लेकिन ये दूर दूर आपको पहाड़ियों पे किले मिल जाएंगे। और ये जो पूरा हवा महल है ये जयपुर सिटी के सेंटर में है, इधर की साइड सारा मार्केट एरिया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रोड दिखाई थी, बहुत ही शानदार है। क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? ये देखो हमें एक स्वीट स्पॉट मिल गया यहाँ पर, भीड़ वगैरह यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी आज भीड़ ज़्यादा है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, लेकिन आज है ना भीड़ ज्यादा है, क्योंकि संडे का दिन है आज, तो लोग टूरिस्ट वगैरह बाहर से ज्यादा देखने के लिए आते हैं, इतने सब हमारे से तब भी हमारे से पहले भी लोग इतने सारे आए हुए थे यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब लगता है शायद 7 बजे से शुरू। हाँ हाँ हाँ,
देखो भाई हमें कैसी सीक्रेट लोकेशन मिली है कि यहाँ पर ना कोई आदमी आ रहा ना कोई टूरिस्ट आ रहा, बिल्कुल ही सुनसान है और ऐसा भूल भुलैया है, पता नहीं इस गेट में से निकले और कहाँ निकले कुछ नहीं पता है, है ना, बिल्कुल ही सीक्रेट लोकेशन है भाई। देखो नीचे के ताले आज में जो है ना तहखाने से बंद करके रख रखा हूँ किवाड़ से वो लगा के, ये देखो भाई बिल्कुल ही पीसफुल एरिया है ये। नीचे की साइड ये क्या है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, ये क्या कुछ हुआ था क्या, फुहारा वुहारा होगा इसमें जो भी है। खैर ये देखो ये गेट वेट है ना सब, ये लॉक करे हुई है, क्या है इसमें अंदर देखो जरा, ये पूरी भाई महल है, हवेली ना आयो, हवेली तो छोटी होगी फिर भी, ये देखो कितना छोटा सा गेट बनाया हुआ है इसका, कहाँ एंटर जा रहा अंदर, अंदर क्या है बंद अंदर ये बताओ, कुछ सामान वामान रखने के लिए कुछ और उसके लिए, यहाँ भी लोग ना तम्बाकू थूक थूक के घेर के बताओ हद होगी। अब इधर की साइड चलते हैं इधर से, तो फिर वही जो है अपनी स्टेयर्स आ गई, वापस चल रहे हैं वापस वापस बैक बैक बैक। He was in Nepal. And I met a woman from India and she studied in Rishikesh. So I talked to her and I knew about Rishikesh and I wanted to go to Rishikesh and study. Rishikesh is the hub of yoga and meditation. Yeah, yoga yes, capital. Yes. It is very close to my place, Meerut. Oh, nice. Yes. You can come at my place. Oh, if you go to Rishikesh. Oh, I might come back in February. So my friend, what a pleasure talking to you. Thank you. Okay. Cut putli. खतरनाक ओ भाई साहब, तो खोपड़ी खड़ी गई बहुत खतरनाक है ओ भाई साहब, बेहतरीन तो खोपड़ी उड़ा दी उन्होंने। ये भाई ये कुछ शॉप्स आपको जस्ट हवा महल के सामने मिल जाएंगी और यहाँ पे मम्मी कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही है, पता नहीं क्या ले रही है, क्या क्या ले लिया मम्मी, जूती लिया क्या, ये लिया ना, अरे भाई शानदार ये रूम में लग जाएगी भाई। तो ये था भाई यहाँ पर जयपुर में हवा महल, काफी अच्छा लगा देखो अंदर से घूम के पूरा, और हाँ अब इसके बाद जो है वो जा रहे हैं हम कहाँ पर, जंतर मंतर और एक सिटी पैलेस जो है यहाँ पर जो मोस्ट फेमस जगह है जयपुर की। तो ये वाली वीडियो तो हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं भाई किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।